नमस्कार, ममता किचन में आपका स्वागत है। आज हम वेज बर्गर बनाएंगे। वेज बर्गर बनाने के लिए हमने 5 आलू बॉईल करके छील के रखे हैं। 8-10 बीन्स हैं, इनको हमने बारीक काट लिया है। एक बड़ा प्याज है, इसको भी हमने काट लिया है। कुछ धनिया के पत्ते हैं। टिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ आधा चम्मच मिर्च ली है, आधा चम्मच जीरा है, 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच चाट मसाला है और ये ब्रेड क्रम, ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। इसे हम टिक्की में डालेंगे वाइंडिंग के लिए। टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले ये आलू फोड़ लेंगे। हमने आलूओं को बारीक फोड़ लिया है, इसमें कोई गुठली नहीं है। अब इसमें ये प्याज डाल देंगे, बीन्स डाल देंगे, हरा धनिया। अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, चाट मसाला, जीरा, मिर्च, नमक, सारी चीजों को डाल के मिक्स कर देंगे। हमने सारी चीजें मिक्स कर ली हैं। अब हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब टिक्की का आकार दे देंगे इसे। ब्रेड क्रम में लगा देंगे। इसी तरह एक और बना लेंगे। इसी तरह हम सारी टिक्की बना लेंगे। हमने यहाँ सारी टिक्की इस तरह बना ली है, ब्रेड क्रम में कोटिंग कर ली है। अब इसको हम सेलो फ्राई करेंगे। टिक्की को सेलो फ्राई करने के लिए हमने एक पैन रखा है, उसमें हमने थोड़ा ऑयल डाल दिया है। अब इस पर हम टिक्की डाल देंगे। टिक्की को हम पलट देंगे दूसरी साइड से। एक तरफ से इस पे अच्छा कलर आ गया। टिक्की सिक गई है। अब हम गैस कम कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। अब थोड़ा ऑयल डालेंगे। अब इस पे एक और टिक्की रख देंगे। गैस को मीडियम कर देंगे। टिक्की को पलट देंगे। एक साइड कलर आ गया। अब इसको भी पलट देंगे। अब इसको 2-3 मिनट तक और इसी तरह फ्राई करेंगे। हमने सारी टिक्की इस तरह बना ली है। अब ये बर्गर पैन लगने के लिए तैयार है। अब एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा मक्खन डालेंगे। गैस कम कर देंगे। इसको थोड़ा सेकेंगे दोनों साइड से। बन सेक गया है, इसको हम निकाल लेंगे। अब थोड़ा और बटर डालेंगे। हमने इस पर मेयोनीज लगा लिए इस तरह। मेयोनीज में हमने रेड चिली सॉस डाल दिया था, थोड़ा ओरिगानो डाल दिया था, इस तरह लगा लिया। हमने मेयोनीज लगा लिए। अब इसका ये लेटस का पत्ता लगाएंगे। इस पर चीज की स्लाइस लगा देंगे। अब इस पर हम टमाटर लगा देंगे।
टमाटर लगा दिए, अब इसका हम टिक्की लगाएंगे। प्याज लगा देंगे, खीरा लगा देंगे, टमाटर लगा देंगे और ऊपर से इस तरह रख देंगे। ये हमारा वेज बर्गर बनकर तैयार है और इसे बनाना बहुत आसान है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, ये सभी को बहुत पसंद आता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।